बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिंग ब्लॉगिंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे वाले पराठे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कीमे वाले पराठे, वो भी मिल्क पैक के साथ। और ये है घर की भलाई, घर में जो दूध आता है उसकी ताज़ा भलाई है। और ये क्रीम है और ये है कीमे वाले पराठे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सालन ले लिया है, ये आलू कीमे का सालन है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ मिर्ची और प्याज। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हसबे ज़रूरत। और ये है काली मिर्चें। और अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हाथों की मदद से। मेक श्योर आपके हैंड्स जो हैं वो साफ़ सुथरे हों, नहीं तो आप यहाँ पे ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ग्लव्स से ज़्यादा अपने हैंड से जो है इसको मिक्स करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा गूंदा हुआ, इसको मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। आटा जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, और गंदम का आटा भी ले सकते हैं, और मैदे के भी पराठे बन सकते हैं। वाइट फाइन आटा होता है उसके भी आप पराठे बना सकते हैं। और ये दो बन गए हैं। और इसी तरह जितने आपने पराठे बनाने हैं आप उसके पेड़े बना लें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दो पराठे, और मैंने दो पराठों के बना लिए हैं पेड़े। अब मैंने इसको खुशका लगा लिया है, और इस तरह से इसकी छोटी छोटी जो है मैं रोटियां बना रही हूँ। तो छोटी छोटी इसकी मैंने रोटियां बना ली हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये जो हमने कीमे का अमेज़ा तैयार किया है, ये लगा लूँगी। और ये जो दूसरी रोटी है इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से ओवरलैप कर दूँगी। और अब मैं इसको एक दफ़ा खुशका लगा लेती हूँ, और खुशका लगाने के बाद इसको मैं बेल लूँगी।
और कीमे के ये जो पराठे मैं बना रही हूँ ये मैं छोटे छोटे बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े ना वो बड़ी रोटी खाते हैं ना वो बड़े पराठे खाते हैं, जाहिर बात है छोटे से बच्चे हैं तो फिर छोटा कम कम ही खाएंगे। तो अब इसको मैं तवे पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे तवा जो है वो ऑलरेडी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इसको मैं फ़ौरन से तकरीबन एक सेकंड के बाद इसकी साइड चेंज कर दूंगी, अगर इसकी साइड चेंज ना की तो ये अकड़ जाएगी। तो पराठा जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ। घी जो है वो मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पराठा कोई भी हो तो वो देसी घी में बनाया जाए तो ज़्यादा मज़े का लगता है, क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है। तो ये पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कीमे वाले पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये गरम गरम पराठे हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने मज़े के और कितने लजीज लग रहे हैं। इसको हम सर्व करेंगे ये क्रीम के साथ, मिल्क पैक क्रीम के साथ। और यकीन कीजिए आप कोई भी ऐसा पराठा बनाएं और उसको आप किसी डिब्बे वाली मिल्क पैक किसी डिब्बे वाली क्रीम के साथ या फिर जो घर में ताज़ा दूध होता है उसकी ब्लाई के साथ खाएं तो इसका मज़ा बहुत ही अच्छा होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दही के साथ तो हम नॉर्मली खाते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको ब्लाई के साथ खाएंगे तो इसका जो है वो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और उसके अलावा ये एक हेल्दी फूड भी है। तो इसके साथ ही, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।